कि यात्रा अवकाश भत्ते का जो कैश वाउचर स्कीम है इसको मोदी सरकार आपके सामने लेकर आई है, क्योंकि इस महामारी के समय देश और दुनिया पर तो प्रभाव पड़ा लेकिन सरकारी कर्मचारियों पर उस तरह से कोई भी आर्थिक तनाव या दबाव नहीं बना। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो इनकी सैलरीज भी प्रोटेक्टेड थी और इनकी जो सेविंग्स है, बचत जो हुई वो भी ज्यादा हुई सरकारी कर्मचारियों की। तो इस समय इनको और राहत देकर किस तरह से जो कम भाग्यशाली वर्ग है उसका भला भी कैसे हो, नकद वाउचर इनको मिले एलटीसी के माध्यम से, यात्रा अवकाश भत्ते के माध्यम से, और जब ये खर्चा करें तो उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़े। एक तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और दूसरी तरफ जो कम भाग्यशाली लोग हैं उनको भी व्यापार करने का अवसर मिलेगा, उनकी भी आय बढ़ेगी। तो इसके लिए जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को चार वर्ष के ब्लॉक में यात्रा अवकाश भत्ता मिलता है, एक मिलता है कि देश में कहीं भी जा सके, और दो बार अपने घर जहां पर भी उनका घर है वहां पर जाने का अवसर मिलता है, और इसमें हवाई भत्ता भी मिलता है, रेल का भी मिलता है, उनके स्केल और एंटाइटलमेंट के अनुसार ही मिलता है, और उनको रिम्बर्स उसका वापस भुगतान भी वैसे किया जाता है। इसके अलावा लीव एनकैशमेंट की जो बात की गई 10 दिन की, वो भी अगर देखा जाए अवकाश नकदीकरण वो भी 10 दिन का किया जाता है उनकी तनख्वाह और डीए को जोड़कर, और कोविड-19 के समय जो लोग एलटीसी का फायदा नहीं उठा पाए उनको इसका लाभ मिले, जिन्होंने पहले ले लिया उनके लिए तो नहीं लेकिन जो नहीं ले पाए उनके लिए इसका लाभ मिलेगा, एक तो ये होगा। लेकिन इसके लिए क्या नियम होंगे उस पर मैं थोड़ी बात रखना चाहूंगा। एलटीसी के बदले उनको कैश पेमेंट मिल रही है, नकद भुगतान हो रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है, नकद का मतलब ये भी डिजिटली होगा, और इसके लिए भी इसकी जो पूरी पेमेंट है, ये जो अवकाश नकदीकरण का पूरा भुगतान है ये पूरा किया जाएगा, और इसकी जो पेमेंट है ये पात्रता के अनुसार जो है भाड़े का भुगतान किया जाएगा, जो फेयर चाहे ट्रेन का है या हवाई जहाज का है वो वैसे किया जाएगा, और जो भाड़े की पेमेंट होगी, फेयर की पेमेंट होगी, वो टैक्स फ्री होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसमें कर्मचारी के पास जो ऑप्शंस हैं, जो इसके लिए ऑप्ट करेंगे, जो इसके स्कीम के लिए जाएंगे, उनको क्या करना होगा, इसमें लाभ उठाने वाले कर्मचारी को किसी भी वस्तु या माल के ऊपर या सेवाओं के ऊपर जो उसके भाड़ा है, फेयर है, उसका 3 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके वो उसको क्लेम कर सकता है, और जो उसका अवकाश नकदीकरण है, लीव एनकैशमेंट है, उसका 1 गुना है, यानी कि उतना ही उसको खर्च करना पड़ेगा, और ये उसको 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करना है। और इसमें केवल 2 छोटी-छोटी बातें हैं कि जो जीएसटी जिस पर 12% या थोड़ा उससे ज्यादा वाली स्लैब में आते हैं उसके ऊपर इनको खर्च करना होगा, और जीएसटी रजिस्टर्ड जो वेंडर है, जो व्यापारी है, उसी से इनको सामान लेना है या सेवाएं लेनी है और उस पर ही भुगतान करना है, और भुगतान भी डिजिटल मोड से करना है ताकि डिजिटल इंडिया को बल भी मिले, और जो इसकी जीएसटी इनवॉइस होगी बाद में इनको प्रस्तुत भी करनी पड़ेगी जब इनको अपना क्लेम तो क्या इसमें तो पहले से ही प्रीलोडेड है, इसलिए जीएसटी इनवॉइस भी इनको देनी होगी। अर्थव्यवस्था को वित्तीय बढ़ावा मिले, और जो निर्णय अभी किया गया जिसकी माननीय वित्त मंत्री जी ने आपके सामने बात रखी, अगर सरकारी कर्मचारी केंद्र के इसका लाभ उठाते हैं तो इसका कुल मिलाकर 5,675 करोड़ रुपए का इसमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और अगर हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के या पीएसयूज के एम्प्लॉयज भी इसका लाभ उठाते हैं और वो इसकी फैसिलिटी देते हैं तो इससे भी लगभग 1900 करोड़ रुपए का उस पर फर्क आएगा, उसको खर्चा होगा। टैक्स कंसेशन जो
केंद्र की सरकार जैसे पहले कहा कि भाड़े पर दिया जाता है, उसी तर्ज पर अगर राज्य की सरकारें भी और प्राइवेट सेक्टर भी अगर केंद्र के दिशा निर्देशों को मानता है और ये जो पात्र हैं एलटीसी के यात्रा अवकाश के लिए, इसके लिए इनको इसका लाभ उठा सकते हैं, केवल केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को मानना होगा, इनको टैक्स कंसेशन भी मिल जाएगा और इससे अर्थव्यवस्था में कितनी मांग बढ़ेगी, इससे 19,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और पीएसयूज के माध्यम से बढ़ेगी और राज्य की सरकारों के जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से लगभग 9,000 करोड़, तो कुल मिलाकर 28,000 करोड़ की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा और जो मैंने पहले कहा कम भाग्यशाली को ज्यादा आय और ज्यादा व्यापार के अवसर भी इससे मिलेंगे।